तो दोस्तों क्यों नहीं, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर बताऊं कि पावर एसी आपकी सही है, वोल्टेज भी बना रही है, क्लॉक भी बना रही है। आइए सप्लाई की बात करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी सप्लाई है जिसमें हम बात कर सकते हैं, बट एक ये सप्लाई है जो कॉमन सप्लाई है जो आपको हर पावर एसी के साथ मिलेगी। आज जो मैं आपकी पावर एसी आपको रिवील करने वाला हूँ वो है मीडियाटेक की। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ये देखिए ये मेरी मीडियाटेक की पावर है, सी 6357। और इसमें हम जो सप्लाई देखने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली हम रिसेट बी की लाइन देख रहे हैं या आरटीसी, हम कुछ भी लाइन देखें, बट अगर हम एक ऐसी सप्लाई को पकड़े जो हमें क्लॉक सिग्नल भी बता रही है और साथ में हमें फ्रिक्वेंसी भी दिखा रही है, तो ये समझिए कि आपकी पावर बिल्कुल ऑन हो रही है। सो सिंपल सी बात है, विद इन 2 मिनट में हम पावर एसी चेक करेंगे। सप्लाई का नाम है क्रिस्टल, इसको हम बोल सकते हैं एक्सो एसओसी, जिसको हम सिस्टम ऑन चिप बोलते हैं, जिसमें हम ये सप्लाई लगी है पीएमआई सी क्लॉक बीबी क्लॉक सेल और क्लॉक डब्ल्यूसीएन। तो हम इसमें एक रजिस्टर पकड़ लेंगे, ये रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, और अगर हम रजिस्टर की बात करेंगे तो यहाँ लगा हुआ है। आइए हम इसको चेक करते हैं और हम आपको डीएसओ से इससे बताते हैं कि ये सप्लाई ओके है कि नहीं ओके। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक काम करता हूँ कि डीएसओ का एक वायर मैं अपनी उस सप्लाई पे जम्बर मार देता हूँ, और डीएसओ से हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि हमारी उस सप्लाई पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जम्पर मारेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मेरा डीएसओ है। तो मैं आपको विद इन 2 मिनट, जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पावर बिल्कुल ओके है कि नहीं ओके है। देखिए यहाँ पर हमने जम्पर मार लिया है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने ऑलरेडी ग्राउंड देके रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ इसमें केबल लगाएंगे, और अब हमें कोई मल्टीमीटर भी यूज नहीं करना है, हम डीएसओ के साथ यूज करेंगे। अब हमने केबल भी लगा ली है, नोटिस करो, अब हमने केबल भी लगा ली है, ठीक है, हमने केबल भी लगा ली है, हमने जम्पर भी लगा लिया है। ये आपको मैं जम्पर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, अब हमने जम्पर भी लगा लिया है, ये देखिए ये जम्पर आप देख सकते हैं, ये हमने जम्पर लगा लिया है। अब हम डीएसओ को ऑन करेंगे, तो हमने चैनल 1 पे ऑन किया है, तो देखिए इस तरह की कुछ फ्रिक्वेंसी बनी है। तो हम इसको ऑटो कैलिब्रेट करते हैं और नोटिस करते हैं कि हमारा जो क्लॉक सिग्नल है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आपको बिल्कुल दिखाई दे रही है, और जो आपके पल्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसको रोकना चाहूंगा और ताकि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ। ये देखिए मैंने ऑटो का बटन दबाया, मुझे स्टॉप का बटन दबाना चाहिए। सो बेसिकली अब मैंने स्टॉप का बटन दबाया, अब नोटिस कीजिए, तो यहाँ पर 26 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी बन रही है, ये मैं आपको यहाँ से भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, तो ये जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी बन रही है 26 मेगाहर्ट्ज की, ये हमें बताता है कि हमारा जो क्रिस्टल है वो हमारा ऑन हो रहा है, और क्रिस्टल के साथ जो हमारी पावर है, क्योंकि क्रिस्टल पहले पावर को ऑन करता है मीडियाटेक में, और उसके बाद फिर वो ऑन करता है हमारे सीपीयू को। सो इस एक लाइन से आप अपने पावर को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बताएगा जरूर, मैं आपको फिर से डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा आपको कौन सी लाइन चेक करनी है। अगर आप पावर आईसी के अंदर सिर्फ एसओसी क्रिस्टल की लाइन या पीएमआई क्लॉक बीबी की लाइन भी चेक करेंगे, तो आप अपनी पावर के आउटपुट को चेक कर सकते हैं। अगर ये फ्लक्चुएट हो रही है दोस्तों, तो अगर इसकी लाइन ओपन हो जाती तो क्या होता है, तो आपके वोल्टेज अप डाउन होने लगते हैं, और अगर ये वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है तो इसके अलावा भी बहुत सारे आपको यहाँ पर सोल्यूशंस हम दे सकते हैं। और अगर आपको डीएसओ की पूरी ट्रेनिंग चाहिए तो आप मेरा डीएसओ का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें मैंने रीगल के साथ में कंप्लीट ट्रेनिंग दी है यूटीडी की। आप ये डीएसओ चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, तो भी आपको पूरे मिलेंगे, जिसमें मोबाइलों के साथ टेस्टिंग भी बताई है। सिर्फ ये नहीं कि भाई कैलिब्रेट करना है, मैंने ये तो बेसिक है, ये तो बच्चों का नॉलेज है, मैंने इसके ऊपर का नॉलेज आपको इस डीएसओ ट्रेनिंग में दिया है, जो कि बहुत ही कम रेट पे सिर्फ 4,000 रुपये में आपको मिलेगी। लिंक नीचे है, एंजॉय कीजिए, फायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।